Hello everyone, this is Ashijan. In this lecture video, we are going to study a new subject that is business statistics. देखिए ये chapter काफ़ी ये जो subject है बहुत easy है because the thing is that you have already studied maximum portion of this curriculum in the previous like जो भी आपने 11th standard 12th standard आपने बहुत बेसिक सब कुछ ऑलरेडी क्लियर आपका. द थिंग इज दैट इन दिस पेपर इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी यूनिवर्सिटी मोस्टली दे आस्क एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस दैट दे डोंट रियली आस्क दैट डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज मीन, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीडियन एंड ऑल. दे सिंपली पुट लाइक क्वेश्चन. They give basically problem solving type questions so that you need to identify which type of formula would be applicable. So the thing is that you need to strong your fundamental. Okay, so let's start with the first chapter, that is the measures of central value. Before I start this chapter, let me clear one thing. Like business statistics hota kya basically. The thing is that is if you get or if you call it any data from somewhere, from anywhere, that after collecting the data, you need to interpret that what you have understood with this data. So with the help of statistical tool, you need to interpret. That means with the help of statistical tool, you need to measure so that you can interpret the whole data. What जो आपका डेटा हुआ आपको क्या क्या शो कर रहा है वो. सो वो आप कैसे बता दो, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दैट्स वाई हम जो है स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे लाइक लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट करता है. चलिए पढ़ते हैं. पहले देखिए जैसे मैंने बताया था लाइक आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू नीड टू इंटरप्रेट द लाइक जो भी आपने एनालाइज किया आपको उसको एनालाइज करना है. बट द थिंग इज कि आप डेटा को कलेक्ट कैसे करते हो. देखिए डेटा को कलेक्ट करने के काफ़ी सारे वेरियस मेथड्स हैं बट हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ रहे कि यहाँ पर कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है. द थिंग इज कि डेटा आप जब कलेक्ट करते हो तो किस किस टाइप कैसे करते हो. ठीक है, सो उसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सीरीज. दैट मीन्स जब डेटा आपके हाथ में आता है यू नीड टू एनालाइज विच टाइप ऑफ सीरीज यू हैव. There are basically three types of series. First one is individual series. Second one is discrete series. And the third one is continuous series. अगर आपने ये types of series आपने अच्छे समझ लिया. देखिए डेटा को अपने आप जब कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और जब डेटा कलेक्ट करने के बाद जब आप विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल आप उसको एनालाइज कर रहे हो और जब आप स्टैटिस्टिकल अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप का स्टैटिकल टूल लगा रहे हो. बट वो डिपेंड करता है कि आपके पास सीरीज यानी कि विच टाइप ऑफ सीरीज यू हैव. ओके, सो आपको टाइप्स ऑफ सीरीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज. देखिए बहुत ईजी है. जैसे मान लीजिए सपोज If I conduct a test in a classroom, okay, so वहाँ पर क्या होता है लाइक कि मान लीजिए लाइक सपोज आई हैव लाइक 100 स्टूडेंट्स. ठीक है, मैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे एक मैंने टेस्ट लिया और उसके मैं टेस्ट को जो मार्क्स मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ. ठीक है, एंड सपोज एक टेस्ट लिया मैंने 10 मार्क्स का. ठीक है, सो स्केलिंग होगी फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मैं मार्क्स यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ. सपोज एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 2, किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 1 आए, किसी के 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 6 आए, 5 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं. ठीक है, 8 भी आ सकते हैं, 9, 10, 5, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 2, 3. ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे डेटा हो सकते हैं. मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट के मार्क्स लिख नहीं सकता. सो यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स पुट अप कर दिए.
ठीक है, तो ये होगा आपका इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स मैं यहाँ पर जो हर स्टूडेंट के मार्क्स इंडिविजुअल लिख रहा हूँ। देखिए मुझे एनालाइज क्या करना है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कहते सिर्फ मार्क्स यहाँ पर पुट अप कर दिए। ये मैंने यहाँ ही लिखा कि जो मान लीजिए 2 नंबर मार्क्स आए हैं किसके आए, ये नहीं लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा, बस मैंने लिख दिया कि 2 मार्क्स एक इंडिविजुअल के आए हैं। ठीक है, ऐसे 5 मार्क्स किसी आए हैं, 7 मार्क्स किसी आए हैं, तो मैंने सिर्फ मार्क्स के लिख दिए। अब द थिंग इज दैट व्हेन यू कलेक्ट डेटा इन द इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। सो एनालाइज को बेटर करने के लिए हम किस पे शिफ्ट करेंगे, वी विल मूव टू डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इट बेसिकली हेल्प्स इन एनालाइजिंग इन अ बेटर फॉर्म। कैसे, जैसे आप देख सकते हो लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग सेम स्कोर, लाइक जैसे देखिए 1 1 1 3 स्टूडेंट्स के आए, ठीक है 2 2 2 3 स्टूडेंट्स के आए, 9 9 9 अगेन 3 स्टूडेंट्स के आए, 5 5 5 अगेन 3 स्टूडेंट्स के आए, 8 8 2 स्टूडेंट्स के आए। ठीक है, सो अगर यहाँ पर क्या करूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखूँगा मैं जैसे मार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी, दो कॉलम बन जाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज में एक ही कॉलम था दैट इज मार्क्स, बट यहाँ पर क्या है, दो सीरीज आपकी बन जाएगी, दो कॉलम बन जाएंगे आपकी, फर्स्ट वन इज मार्क्स एंड सेकेंड वन इज फ्रिक्वेंसी। सपोज मैंने यहाँ पर मार्क्स दिए फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। अब 1 मार्क्स की कितने स्टूडेंट्स के आए, 3 के, 2 स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 के, 3 स्टूडेंट्स देखो कितने आए, 1 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स आए। ठीक है, 4 4 देखिए यहाँ पर एक भी नहीं है तो 0। 5 कितने स्टूडेंट्स का आए, 3 के, तो 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, 6 यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का है तो 1 लिख दिया, तो ऐसे ही लिखना है। सो दैट मीन डिस्क्रीट सीरीज बेसिकली द एक्सटेंशन से, एक एक्सटेंशन है किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज कुछ बताता नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं करता कि कितने स्टूडेंट से कितने आए, बिकॉज देखिए एट द एंड मुझे क्या क्या करना, मुझे डेटा को जो कलेक्ट करना, मुझे एनालाइज करना है कि जो मेरे कैसे मेरे अंडर जो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लो स्कोरिंग कितने हैं, या एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, या हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, मुझे तो बेसिकली यही एनालाइज करना है। ठीक है, अब लो स्कोरिंग अगर मान लीजिए ज़्यादा हैं तो मुझे देखना है क्या लाइक मेरी टीचिंग में कुछ गलती है, क्या मैंने बच्चों को कंसेप्ट नहीं क्लियर नहीं किया। ठीक है, कुछ भी तरीका हो सकता है, या मेरी साइड से प्रॉब्लम है या फिर स्टूडेंट्स के साइड से प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो द थिंग इज अल्टीमेट क्या है, मुझे जो रिजल्ट आया बच्चे का मुझे तो वही एनालाइज करना है। ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल सीरीज जो है सिर्फ एक डेटा बताता है कि इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, बट द थिंग इज फॉर द इंटरप्रिटेशन वी नीड टू शिफ्ट टू कहाँ पर, दैट इज टू डिस्क्रीट सीरीज। ओके, नाउ कम टू द कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज में क्या होता है, बेसिकली जब आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो, बहुत ही बड़ा, सपोज यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, 100 स्टूडेंट्स तो चलो आप डिस्क्रीट सीरीज में कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज देखिए अगर आप देखोगे सबका टोटल जो 100 ही आएगा। ठीक है, बट मान लीजिए अगर डेटा आपका सपोज इन थाउजेंड्स, 10,000 में हो, लैक्स में हो, करोड्स में हो, देन यू नीड टू ऑब्वियसली कलेक्ट सीरीज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यू सीरीज। ठीक है, अब कंटिन्यू सीरीज में होता क्या, बेसिकली इफ अगर मैं ब्रॉडली टर्म में बात करें, कंटिन्यू सीरीज ही ब्रॉडली डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट वन इज यस ब्रॉडली वी बेसिकली डिवाइड द कंटिन्यू सीरीज इनटू टू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज एंड द सेकेंड वन इज इंक्लूसिव सीरीज। पहले हम एक्सक्लूसिव सीरीज देख लेते हैं होता क्या है। जैसे देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया, मैं ऐसे के लिख लेता हूँ, मैं सपोज मार्क्स आए सपोज जैसे 0 to 1 1, फिर उसके बाद आए 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 6 to 5 to 6 6 to 7 ऐसे। ठीक है, ऐसा लास्ट कब तक आएगा, 9 to 10 में जाएगा। बट इंक्रीज सीरीज में क्या होता है, जैसे देखिए 1 0 to 1
टू टू थ्री, उसके बाद फोर टू फाइव, सिक्स टू सेवन, एट टू नाइन, फिर टेन टू इलेवन, ऐसे आएगा। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है बेसिकली, जब आप इंक्लूसिव सीरीज़ करते हो, मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स सपोज आए 2.5, ठीक है, तो 2.5 तो चलो यहाँ पर लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए मार्क्स आए 3.5, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, इधर इन दिस सीरीज़ और इन दिस, वो कहाँ पर लाई करेगा नहीं पता हमें। सो इसके लिए क्या होता है, हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ पर जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 3.5 मार्क्स आए, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, दैट इज़ अंडर दिस। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सीरीज, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सीरीज आपने समझ लिया, नाउ दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन दी लाइक इन दी एप्लीकेशन ऑफ लाइक हाउ टू अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज द डेटा। ओके ना, अब देखिए जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, इसको पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, देखिए सेंट्रल वैल्यू का दैट इज सी आर मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ऑफ टू स्टडी द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट वन सिंगल वैल्यू। सपोज यू हैव दिस सीरीज, suppose you have this series, but the thing is you need to determine what type of characteristics is this, that means aapko is series ka aapko characteristics batana ki kya show kar raha hai data ko, so that's why we basically use statistical tool, theek hai, means jaise aapko ye series de di, ab main puchunga ki series aapko kya bata raha hai, theek hai, to aap kya karte ho basically, aap sabka average loge और बता दो कि सर इन सबका एवरेज ये आ रहा है, ठीक है, तो उस एवरेज को दैट इज द एवरेज वैल्यू दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू। ओके, सो हम ये जरूरत क्यों होती है, ठीक है, द थिंग इज जैसे मान लीजिए सपोज लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, ठीक है, सो वहाँ क्या करते हैं, हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। सो वो क्या बताते हैं कि एक सीरीज का आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बता देता है, सो दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो सेंट्रल मीनिंग का वैल्यू का सेंट्रल वैल्यू का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, सो हमने क्या पढ़ा, दैट इज सेंट्रल वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज, एंड एवरेज का तो बेसिकली इट इज़ बेसिकली अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज, और कैन से विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, दैट इज एवरेज, दैट इज एवरेज, दैट मीन्स कोई भी एक सीरीज है उसकी एक वैल्यू जो डिफाइन करती है पूरी सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल वैल्यू। अब एवरेज देखिए आप डेली बेसिस पे हम जो यूज करते हैं, लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लाइक हाउ मेनी गर्ल्स और बॉयज इन अ क्लास, ठीक है, कुछ भी लोग लाइक व्हाट इज़ द एवरेज सेल्स, ठीक है, व्हाट इज़ एवरेज इनकम, व्हाट इज़ एवरेज एक्सपेंसेस, कुछ भी हो सकते हैं, हम डेली बेसिस पे एवरेज यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज द डेटा। सो इस चैप्टर में हम सब सिर्फ एवरेज पे फोकस करेंगे कि एवरेज क्या होता है। नाउ कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेजेस, types of averages, क्या क्या types हैं, first one is arithmetic mean, second one is median, third one is mod, fourth one is geometric mean, and the fifth one is harmonic mean. Okay, basically average types तो और भी होते हैं, but the thing is
आपके जो करिकुलम में जो सिलेबस है, जो सिलेबस है बिजनेस सेट्स का, उसमें सिर्फ हम से यही पांच जो हैं टाइप्स के हम एवरेज यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक मीन, देन मीडियन, मॉड, ज्योमेट्री मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड आपको देख के पता चल गया होगा सर, लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस। द थिंग इज़ लाइक, देखिए होता क्या है, जब आपसे कोई डैट पूछेगा ना लाइक सर मीडियन, लाइक मैं आप सोचूँ मीडियन क्या, तो आप ऑब्वियसली आप इजीली बताते हो व्हाट इज मीडियन। बट द थिंग इज़ लाइक सपोज इफ आई गिव यू अ डेटा एंड नाउ यू नीड टू एनालाइज दैट विच टाइप ऑफ एवरेज वुड बी एप्लीकेबल अंडर दिस सीरीज, सो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बिकॉज दैट लाइक एज आई सेड अर्लियर, लाइक इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी, बेसिकली द एग्जामिनर्स आर आस्क एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। दैट मीन्स दे बेसिकली गिव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, एंड आपको खुद ही इंटरप्रेट करके खुद ही सोचना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ एवरेज वुड बी एप्लीकेबल अंडर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। सो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ एवरेजेस, ओके। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अर्थमेटिक मीन। ऑब्वियसली आपको अच्छे से पता है, बट फिर भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि होता क्या है। अरिथमेटिक मीन, सी दिस इज बेसिकली द मोस्ट पॉपुलर एंड द वाइडली यूज मेजर फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा बाय वन वैल्यू, ठीक है। वैसे देखिए आपने क्या कहा था इस सीरीज में, दैट मीन्स आफ्टर फाइंडिंग आउट द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, यही होता है, ठीक है। अब द थिंग इज लाइक वाइल कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट यू नीड टू सी विच टाइप ऑफ सीरीज यू हैव, और यू कैन से जो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो आपने कौन सी सीरीज में डेटा कलेक्ट किया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन उस टाइप ऑफ सीरीज पर डिपेंड करती है, ओके। लाइक सपोज इफ वी टॉक फर्स्ट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या, देखिए अभी मैंने जो डेटा दिया था ये क्या है, आपकी इंडिविजुअल सीरीज ही है, ठीक है, अभी ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज भी है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने क्या करा, देखिए इन सब का सम किया, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट, और सबका सीरीज कर दिया, तो बस ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जैसे देखिए आपने क्या करा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर देन एक्स की पावर सॉरी एक्स एन तक किया डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बेसिकली मीन। अब इस मीन को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम क्या, वो कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो गया आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन अंडर इंडिविजुअल सीरीज, ओके। चलिए लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिवन द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज इन अ टाउन, ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं फ्रॉम 1 to 10 एंड दीज आर द इनकम। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। सो वेरी सिंपल है, देखिए नंबर वन क्या करना है आपको, यहाँ पर हाउस नंबर है, ठीक है, एंड दी मंथली इनकम, मंथली इनकम है, हाउस नंबर कहाँ से है, 1 to 10, स्टूडेंट आई विल शेयर दिस पीडीएफ फाइल, ओके। So the first house income is, that is 4780। मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ। सेकेंड वन इज़ 5760, थर्ड वन इज़ 4690, फोर्थ वन इज़ 4750, फिफ्थ वन इज़ 4840, सिक्स्थ वन इज़ 4920,
4100, 8th 4850, 9th 5050, and the last one is 5950. Okay, now the formula for arithmetic mean is, that is summation of all observation divided by number of observation. So now we need to calculate, we need to sum up all the observation, that is the monthly income. Now the total would be 49,690, and the number of observations are 10. So 4,690 divided by 10. So that means the final answer of mean would be 4,969. Now that would be your final answer. So this is again very simple problem. That is the first question on arithmetic mean under individual series. Okay. Now the thing is that which type of method you are using. In this particular problem we have used simple average. Okay. Now there is another method that is called shortcut method. That means you can calculate the arithmetic mean by way of shortcut method. Shortcut method means aapka formula thoda change hota hai. Suppose in the shortcut method mein formula ke baad main formula likhta hu, mean equal to, mean kaise nikalta hu, a plus sigma d divided by n. D is basically the deviation from assumed mean. मतलब क्या हुआ? मीन सपोज अगर मान लीजिए आपके पास डेटा है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि सिर्फ विदाउट एनी कैलकुलेट, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू कितनी, सपोज आपने बोला सर 5000 आएगी, ठीक है. सो दैट मीन्स मैं बोलूँ लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5000 वैल्यू आपने एज्यूम किया उसको, ठीक है. अब आपको डेटा में एज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करना है आपको, मैं आपको बता ही देता हूँ आपको कैसे करना है, किस तरीके से आपको. मान लीजिए जैसे आपने मीन कैल कर लिया, ए आपने क्या करा, ए के क्या हो जाएगा 5000 प्लस डिवाइड बाय आपका 10 ही आएगा. नाउ द थिंग इज दैट इन दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट मेथड वी नीड टू कैलकुलेट दी समेशन ऑफ ऑल डेविएशन. दैट मीन्स जो आपकी एक्चुअल फिगर आई है, ठीक है, उसको आपको 5000 से दिखना है कि वो कितना प्लस और कितना माइनस है, दैट्स इट. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. मैं यहाँ पर ही सॉल्व करता हूँ. जैसे देखिए आपकी जो डेविएशन आया था, आपने डेविएशन क्या था, दैट इज 5000 आपने किया था, आपने 5000 किया था, ठीक है. तो कैसे करेंगे, x माइनस 5000 दैट इज इक्वल टू d, ये d आ जाएगा, ठीक है. सो दीजिए फर्स्ट फिगर देखिए आप, 4780 लेस करोगे 5000 से, सो दैट मीन्स यू विल गेट फिगर इन नेगेटिव, दैट इज माइनस 220. ओके, देन 760, देन 310 नेगेटिव, देन माइनस 250, देन यहाँ पर आपका माइनस 160, माइनस 80, माइनस 900, माइनस 150, प्लस 50, प्लस 950. सो ये सब आपकी फिगर आ गई. सो इन सबको ऐड कर देते हैं.
दैट मीन्स यू गोट माइनस 310, जो समेशन और डिविजन आया वो नेगेटिव में आया, कितना आया, दैट इज माइनस 310, सो दैट मीन्स 5000 माइनस 31 हो जाएगा आपका, ये 5000 माइनस 31 हो जाएगा आपका, सो दैट मीन्स अभी जो फाइनल फिगर आई दैट इज 4969। नाउ यू कैन सी दैट द वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड, हमने ऊपर जो करी थी उधर उनकी सेम फिगर आई है, दैट इज 4969। सो आप कोई भी वैल्यू आप जो है कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर वुड बी सेम। ओके, सो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने सिर्फ एक फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज, फर्स्ट टाइप ऑफ हमने एवरेज लिया, दैट इज अर्थमेटिक मीन, एंड अर्थमेटिक में हमने फर्स्ट सीरीज ली, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, बट द टाइप ऑफ सीरीज इज यहाँ पर कौन सी, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करना है, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, देखिए मीन कैसे कैलकुलेट करना है आपको, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, दैट मीन्स क्या करना है आपको, आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आपका, तो आपका देखिए मार्क्स क्या हो जाएंगे आप यहाँ पर, एक्स हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी आपकी, सो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मार्क्स, दैट इज 20 30 40 50 60 70, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट वुड बी 8 12 10 sorry 20 10 6 4। सॉरी 8 12 20 10 6 and 4। ओके, करना है क्या आपको, टोटल करना है एन यहाँ पे कर देगा आपको 60। ओके, आपको देखिए जी फिगर ये चाहिए आपको, सो दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना आपको एफ एक्स का, सो दैट वुड बी 160 360 800 500 360 280, समेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 2460, दैट्स इट। नाउ सिंपली पुट ऑल दिस फिगर्स इन द फॉर्मूला, सो दैट वुड बी 2460 डिवाइड बाय 60, और द फाइनल आंसर वुड बी 41। ओके, so this is the way of using discrete series formula. Now again we can use this formula, or we can by applying shortcut method. Shortcut method में देखिए formula क्या बनेगा आपका, यहाँ लिखता हूँ मैं shortcut method, shortcut method में देखिए आपका mean क्या हो जाएगा, that is mean equal to a, that is assumed mean, plus sigma f d हो जाएगा divided by n, सिग्मा एफ डी हो जाएगा वो। तो देखिए कैसे करना है आपको, मैं अगर बोलूँ कि सपोज अगर आपको क्या करना है, डी चाहिए, ठीक है डी कैसे निकालेगा आप, एक्स माइनस, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फिगर जो है 40 यहाँ पर अज्यूम कर लिया, सो एक्स माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, कैसे निकालना है देखिए, कैसे निकालना, देखिए 20 में से देखिए 40 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, माइनस 20, ठीक है फिर माइनस 10 0 10 20 30,
डी क्या आपका पड़ेगा, अब क्या चाहिए आपको, एफ डी सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डी, सो दैट वुड बी माइनस 60, माइनस 160, माइनस 120, 0, 100, 120, अगेन 120, सबका समेशन क्या जाएगा आपका, सिग्मा एफ डी दैट इज इक्वल टू 60। सो देखिए आपने अज्यूम क्या कहता, 40, सिग्मा एफ डी कितना है 60, ये कितना है आपका दैट इज 10, ओके सो दैट सो सिक्वेंसी ऑफ 60 सॉरी, सो ये तो 1 आ जाएगा बता, सो दैट इज इक्वल टू 41, सो आंसर वुड बी दी सेम। ओके सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन अंडर डिस्क्रीट सीरीज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बट आपकी सीरीज कौन सी यहाँ पर आपकी, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज, कौन सी सीरीज आपकी, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज है एंड इसमें हम पहले हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, ओके डायरेक्ट मेथड में देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है मीन का क्या होता है, दैट इज सिग्मा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एम एफ एम डिवाइड बाय एम, एम क्या पर दैट इज मिड वैल्यू, ओके मिड वैल्यू ऑफ ईच सीरीज। तो चलिए क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सो यहाँ पर आपको देखिए जो डेटा गिवन है दैट इज मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20 एंड द लास्ट वन इज दैट इज 50 to 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 25, 30, 20, 10। सो पहले हम मार्क्स लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ओके देन फ्रीक्वेंसी की भी ना दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 5, 10, 25, 30, 20 and 10, ओके एंड इन सब का जो टोटल आ रहा है दैट इज 100। अब देखिए फॉर्मूला में क्या, दैट इज सिग्मा एफ एम समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एंड द मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू ऑफ ईच सीरीज, सो यहाँ पे क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इस सब का देखिए मिडल वैल्यू क्या चाहिए, 5, 15, 25, 35, 45, 55 ना, बस अब मल्टीप्लाई करना है एफ एम 25 150, 625, 1050, 900, 550, एड ऑल दिस वैल्यूज विच कम्स टू 3300। नाउ जस्ट सिंपली पुट ऑल दिस फिगर्स इन द फॉर्मूला, 3300 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 30, दैट्स इट। सो ये हमने यूज़ किया दैट इज दी हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाई अंडर कंटिन्यूस सीरीज यूजिंग डैट मेथड, ओके अब इसमें हम शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, देखिए शॉर्टकट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन सा मेथड, अगर मान लीजिए कुछ भी गिवन हो, अगर कुछ भी गिवन हो फिर तो कोई भी मेथड यूज कर दो, बट द थिंग इज व्हेन द एग्जामिनर आस्किंग द स्पेसिफिक विच टाइप ऑफ मेथड यू नीड टू पुट, तो आपको वो मेथड आना चाहिए। सो पहले आपको फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला देखिए क्या होगा वहाँ पर आपका, मीन दैट इज इक्वल टू, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय आई, एक तो आपको पता ही है ए क्या होगा दैट इज अज्यूम्ड मीन, डी आपको पता चलेगा दैट इज डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, अब आई का यहाँ पर दैट इज द डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल्स, जैसे देखिए अगर आप ये जो क्लास इंटरवल्स सबका देखिए डिफरेंस कितना है सब 10 10 ही है,
सो आई इक्वल टू 10, ओके। बस अब आपको क्या निकालना है, बेसिकली एफ डी निकालना है यहाँ पर आपको। सो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी, हम पहले आपको एक ए जो है वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब अज्यूम कैसे करोगे आप, अज्यूम तो कोई भी वैल्यू कर सकते हो आप, मिडिल वैल्यू में से आपको अज्यूम करना है, ठीक है। सो मान लीजिए, अगर मान लीजिए अपने अज्यूम का सपोज 35 करा, सो दैट मीन्स नाउ यू टू कैलकुलेट फर्स्ट डी कैसे करेंगे। देखिए डी कैसे करते हैं, एक्स माइनस ए, ठीक है। सो 5 - 35 दैट इज -30, -20, -10, 0, 10, 20। नाउ कैलकुलेट एफ डी दैट इज, आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दी डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। सो दैट वुड बी -150, -20, इसमें आप एक काम कर सकते हो कि इसको डिवाइड बाय 10 कर दो पूरी वैल्यू को, ठीक है। पूरी वैल्यू का आप, मैं फिर से कर देता हूँ, सो दैट वुड बी करेगा आपका -3, 2, -1, 0, 1, 2। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। सो दैट वुड बी एफ डी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डी डी दैट इज -15, -20, -25, 0, 20 एंड 20। सबको ऐड करेंगे, दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ डी दैट इज इक्वल टू -20। सो यहाँ पर देखिए अज्यूम्ड मीन क्या था, दैट इज आपका क्या था, 35 -20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। सो यह करेगा 35 - 2 दैट इज इक्वल टू 33 आया था पहले आपको, यस आंसर वुड बी सेम, ओके। सो फार वी हैव कवर्ड द फर्स्ट टाइप ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा, सर इतने ही इजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इतने इजी तो नहीं आएंगे। एज आई टोल्ड यू वेरी वेल, लाइक एग्जाम आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे, एप्लीकेशन बेस्ड दैट मीन्स इन डेट क्वेश्चन। अब ये तक हम जो तीन क्वेश्चन किए आपसे डेट क्वेश्चन थे, सिंपल पूछ लिया, अरिथमेटिक मीन भी पूछ लिया और पूछ लिया कि कौन सा मेथड यूज कर लिया, तो इस टाइप क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो अभी मैंने सिर्फ आपका जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको तीन क्वेश्चन कराए हैं, फोर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपके थोड़े कंसेप्ट और इन डेप्थ क्लियर होंगे। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4। द मीन ऑफ 200 एटम्स वॉज 50। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट टू एटम्स वर मिसरीड एज 92 एंड 8 इंस्टेड ऑफ 192 एंड 88। फाइंड आउट करेक्ट मीन। सो देखिए यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है आपको, आपको मीन गिवन है 200 एटम्स का, तो एन क्या रहेगा आपको 200 एंड द मीन इज 50, बट दिस इज द इनकरेक्ट मीन, ओके। बिकॉज जो टू फिगर्स है उसको मिसरीड कर लिया एंड हमको उसको ठीक करके करेक्ट मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमको देखिए क्या गिवन है, आपको एन गिवन है दैट इज 200 एंड मीन गिवन है दैट इज 50, ओके। एंड देखिए मीन का फॉर्मूला होता क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। अब यहाँ से हम सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय एन, मीन गिवन आपको 50 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज इक्वल टू 1000, बट दिस इज द इनकरेक्ट, ये जो आपकी फिगर है ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है आपका। अब आपको निकालना है करेक्ट समेशन ऑफ एक्स, कैसे निकालेंगे, देखिए आपकी जो वैल्यू है दैट इज 1000। अब आपने जो मिसरीड करी है टू वैल्यूज, जो इनकरेक्ट है उसको माइनस कर दो और जो करेक्ट है उसको प्लस कर दो, कैसे निकालने, देखिए मिसरीड कर लिया हमने 92 एंड 8, ये इनकरेक्ट वैल्यूज हैं तो इनको माइनस कर दो एंड बाकी फिगर्स को ऐड कर दो जो करेक्ट है इंस्टेड ऑफ 192 एंड 88। 192 एंड 88, सो द फाइनल फिगर वुड बी 10,180।
बस अब निकालेंगे हम करेक्ट मीन। तो क्या होता है आपका करेक्ट समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन बट 10,180 डिवाइड बाय 200, सो द फाइनल आंसर वुड बी 50.9। 50.9 दैट वुड बी द करेक्ट मीन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन। टू अ मेल वर्कर पेइंग 100 rupees पर डे, टू अ फीमेल वर्कर ₹80 पर डे, टू अ चाइल्ड ₹30 पर डे, वॉट इज द एवरेज वेज पर डे बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, सपोज देर इज अ साइट एंड देर इज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एंड देर आर बेसिकली द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 3 टाइप्स ऑफ वर्कर, दैट इज मेल, फीमेल एंड वर्क एंड चिल्ड्रन। नाउ बेसिकली द कॉन्ट्रैक्टर पेइंग वेजेस टू ईच टाइप ऑफ वर्कर्स। मेल को कितना पे करें, दैट इज ₹100 पर डे एंड फीमेल को दैट इज ₹80 पर डे एंड टू अ चाइल्ड दैट इज ₹100 पर डे। नाउ सिंपली जस्ट वी नीड टू पुट अप द सिंपल एवरेज एंड देन वी विल कैलकुलेट वट वुड बी द एवरेज वेज पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, सो सिंपल है। तो सो देखिए यहाँ पर मेन निकालना है हमको, तो ₹100 फॉर मेल, ₹80 फॉर फीमेल, ₹30 टू अ चाइल्ड डिवाइड बाय 3। 3 मीन्स दैट इज 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सो दैट वुड बी 70, दैट इज ₹70 पर डे। एम राइट? नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन। हम जब भी देखिए सिंपल एवरेज जब भी यूज़ करते हैं ना, हम ये यूज़ करते हैं, दैट मीन्स जो भी आपके लाइक जो दी आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर एट इक्वल लेवल, दैट मीन्स दे हैव इक्वल वेटेज। अब यहाँ पर ये गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, लाइक हाउ मैनी नंबर ऑफ मेल्स आर एम्प्लॉयड, हाउ मैनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल्स आर एम्प्लॉयड बाई द कॉन्ट्रैक्टर, ये तो पता ही नहीं हमें। अगर सपोज एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज मैं बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर रखा हुआ है कि 100 जो हैं वर्कर्स एम्प्लॉयड गए हैं, सॉरी 100 नहीं सॉरी 100 ईच टाइप ऑफ वर्कर, सपोज 100 मेल, 100 चिल्ड्रन, 100 फीमेल। ठीक है, तो उस केस में देखिए सिनेरियो क्या होगा, देखिए क्या करोगे आप, सपोज क्या करोगे आप, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर क्या करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, अब फिर आपको फिगर क्या आएगी, दैट इज 10,000 8,000 3,000 डिवाइडेड बाय 300, यही तो आएगी आपकी, यही आएगी आपकी तो। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 21,000 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज अगेन इक्वल टू ₹70 पर डे, सेम ही आएगी। सो सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन हैव इक्वल वेटेज। बट आप बताओ क्या इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गिवन है, और हम इसमें तो अज्यूम भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज मेथड बाय यूजिंग 2 मेथड। फर्स्ट वन इज दैट इज सिंपल एवरेज एंड द सेकंड वन इज दैट इज वेटेड एवरेज। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि मेल सबकी वेटेज इक्वल हो। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको खुद ही, मान लीजिए अगर इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपको अपना खुद ही एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेना होगा, लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एज पर दी, लाइक कितने नंबर ऑफ वर्क, लाइक मेल कितने एम्प्लॉयड हुए हैं, फीमेल कितने हुए हैं, चिल्ड्रन कितने हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से। सपोज एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, वेजेस जो पे किए हैं, सपोज मैं सिंपल देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए वेजेस पर डे, ठीक है, मेल को कितना कर रहे हैं 100, फीमेल को कितने कर रहे हैं 80, एंड टू अ चाइल्ड दैट इज 80, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर सपोज यहाँ पर लिख देना मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वर्कर्स मान लीजिए मैं एग्जाम्पल सपोज 20 मेल, 15 वुमेन और फीमेल एंड 5 आर चिल्ड्रन, ओके, सो द वेटेज वुड बी दैट इज, यहाँ पर वेटेज क्या हो जाएगी, दैट इज़ 40। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेज और नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, सो कितना हो जाएगा, दैट इज 2000, 1200, 150, दैट इज इक्वल टू 3350। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट वी कैन कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाई यूजिंग वेटेड एवरेज। सो मीन दैट इज वेटेड एवरेज कैसे कर सकते हैं, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय दिस, सो 3350 डिवाइड बाय 40, दैट इज इक्वल टू 83.75। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन देखिए क्या समझाने हैं, हमने इसको समझा कि एवरेज अर्थमेटिक मीन दो टाइप से निकल सकते हैं, सिंपल एवरेज एंड द वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज तब यूज़ करते हैं जब जब हर एक ऑब्जर्वेशन की इक्वल वेटेज हो, और जब वेटेज जब चेंज हो जाता है तब हम किस पे हमें शिफ्ट करना पड़े, दैट इज वेटेड एवरेज, दैट्स इट। आपको बस सिंपल जो है डिफरेंस पता होना चाहिए हर टाइप ऑफ के कैलकुलेशन में, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज करो बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आपने क्यों यूज़ किया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद टोटल फ्रीक्वेंसीज 200, 250, 300, हैविंग मीन्स 25, 10 एंड 15, फाइंड द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ देर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज कंबाइंड मीन, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, देखिए सिंपल है, कंबाइंड मीन कैसे करते हैं कैलकुलेट, देखिए n1 मेन 1, n2 मेन 2, n3 मेन 3, एंड सो ऑन, n मेन n डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 एंड सो ऑन। सो ये क्या हो गया आपका कंबाइंड मीन 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड मीन। सो अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह करेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बस इसको पढ़िए, देखिए 3 कंपोनेंट्स हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी देखिए क्या हो जाएगा, n1 200 का जाएगा, n1 250, n2 300, n3 ये क्या जाएगा आपका 25 मीन 2, 10 मीन 2, 15 मीन 3, सिंपल है। सो यहाँ पर आपके 3 टाइप के हैं, तो कंबाइंड भी निकाल रहे हैं n1 n1 है आपका 200, मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको हम 25 से, मीन 2 है आपका 250, मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, 300 मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिवाइडेड बाय
200 प्लस 250 प्लस 300, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देगा, देखिए यहाँ पर ये 5000 प्लस 2500 प्लस 5500 दैट इज इक्वल टू 12000 डिवाइडेड बाय 750। तो कंबाइंड मीन क्या जाएगा, दैट इज 16, दैट्स इट। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग कंबाइंड मीन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 16। यहाँ पर देखिए मीन वेट दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का। ठीक है, ये मीन वेट यानी देखिए 150 में दोनों ही है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, 60 या मीन दिया हुआ है इसमें दोनों का, यानी आपको यहाँ पर कंबाइंड मीन दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है द मीन वेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इज 70 एंड दैट ऑफ गर्ल इज, दोनों का मीन अलग दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास। सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करना है एंड आंसर निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर एट ईजी है, ये भी आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप नंबर ऑफ फिगर्स निकालोगे, ठीक है, उनको रेशियो कर देना और परसेंटेज निकलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए एवरेज वेज पेड टू ऑल द वर्कर्स इन द फैक्ट्री दैट इज 5000। तो आपको क्या दिया हुआ है, कंबाइंड मीन दिया हुआ दैट इज 5000। देन द एवरेज वेज पेड टू मेल एंड फीमेल 5200 दैट इज, आपको मीन 1 गिवन है एंड मीन 2 गिवन है, कितना 5200 एंड 4200, ये दोनों गिवन है आपको। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल कितने हैं। सो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है, बेसिकली n1 and n2 तो गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, n1 mean 2 प्लस n2 mean 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। कंबाइंड गिवन है आपको 5000 इक्वल टू n, आपको गिवन ही नहीं है n1, मीन 1 कितना गिवन है आपको 5200 प्लस n2 4200 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यही है देखिए पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, बस आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देते हैं, 5000 n1 प्लस 5000 n2 5200 n1 प्लस 4200 n2। तो यहाँ पर क्या देगा, देखिए 800 n2 हो जाएगा एंड 200 आपका n1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेशियो निकालेंगे, सॉरी ये n1 होगा, अगर आप रेशियो निकालोगे n1 डिवाइड बाय n2 का, सो क्या आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 800 दैट इज इक्वल टू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट मीन्स आपका जो परसेंटेज हुआ, दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर नंबर ऑफ बॉयज अगर एक हैं तो गर्ल्स कितने होगी 4, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 5। सो अगर टोटल स्टूडेंट्स अगर 5 हो जाएंगे, उसमें से एक क्या है नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, तो उसके परसेंटेज क्या निकालोगे, 1/5 परसेंटेज ऑफ n1 1/5 निकालोगे कितना जाएगा 20%। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। देखिए नंबर ऑफ बॉयज अगर एक हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 1 इज बॉय एंड 4 आर गर्ल्स। ठीक है, तो हमें टोटल परसेंटेज निकालना है हमको, तो बॉयज कितना हुए 1/5 दैट इज 20% एंड गर्ल्स कितनी हुई है 80%, दैट्स इट, हमें ये निकालना था।
Now moving to next question number 9. 100 students appeared for an examination. The results of those who failed are given below. Marks given आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30. अच्छा इतने नंबर स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए, टोटल कितने हुए 30. अच्छा ये स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर 30 कितने हैं, फेल वाले हैं. टोटल स्टूडेंट्स में कितने अप्लाई किए थे, 100. दैट मीन्स 70 स्टूडेंट्स पास आउट हो गए. एवरेज मार्क्स ऑफ कितने हैं, दैट इज 68.6. हमें निकालना है फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ हु हैव पास्ड अगेन विद द हेल्प ऑफ एवरेज मीन आप इजी कर करना. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर होमवर्क. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर होमवर्क. नाउ बिफोर वी गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मीडियन, आई थिंक दैट वुड बी दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. सो टिल नाउ ऑल ऑफ यू जो मैंने आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए उसको ट्राई करना एंड देन वी विल डिस्कस इन द लाइव लेक्चर. ओके थैंक यू.